तो अब आपको बता दें कि अयोध्या के बाद और कहां कहां पर यह प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में गोष्ठी का आयोजन है। आज अंबेडकर नगर में, 25 जुलाई को भी अंबेडकर नगर में, 26 जुलाई को प्रयागराज में इसका आयोजन होगा। इसके अलावा 27 जुलाई को कौशाम्बी में, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ में, 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या उर्फ लगा दें तो ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है, इसको लेकर किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी है और किस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश आगे बढ़ रही है, क्या इसका कुछ असर दिख रहा है? अब देखिए, कुल मिलाकर कहे तो 2007 के जो समीकरण थे, एक बार वही से फिर बैठाने की, वही साधने की कोशिशें कही जा सकती है। ये जिस तरह से पहले ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद क्योंकि कोर्ट के जो दिशा निर्देश है इससे जुड़े हुए पहले से, उसे देखते हुए इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया। लेकिन उद्देश्य क्या है वो बिल्कुल क्लियर है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर जो है उनको साधा जाए, अपने साथ लाया जाए। 7 दिन का कार्यक्रम है और इसकी कमान जो है वो खुद बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद जो है सतीश चंद्र मिश्र वो संभाल रहे हैं। और अयोध्या से शुरुआत हुई है, अयोध्या में जब शुरुआत हुई सम्मेलन की, तब भी जो वहाँ पर जिस तरह के बयान आए सामने वो भी काफ़ी ध्यान देने वाले। जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यानी आप देखिए, हर बात जो है वो कोई ना कोई संदेश देती है, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखना होगा। पूरी कोशिश जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने पर है, क्योंकि 2007 में जब ब्राह्मणों का साथ मिला तो पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी ये किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा से बसपा ही क्यों, आप सपा को देखें, भाजपा को देखें, जिसकी भी सरकार रही है आप लगातार देख सकते हैं उसमें जो सर्वाधिक विधायकों की संख्या हम देखते हैं वो ब्राह्मणों की होती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका है इस समाज की, और यही वजह है शायद कि पार्टी की जो निगाहें हैं वो इस समय ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी तरह से टिकी हुई है कि कैसे उनको साधा जाए, अपने साथ लाया जाए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें स्थिति को बेहतर किया जाए। क्योंकि इस समय बसपा की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से अगर हम बात करें जो मौजूदा विधायक है उनकी संख्या किसी से छुपी नहीं है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है पार्टी। कहीं ना कहीं भले ही एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनका हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जिन चुनौतियों का सामना इस समय पार्टी को करना पड़ रहा है, ऐसे में जितने भी प्रयास हो सकते हैं कह सकते हैं वो सभी पार्टी कर रही है, रणनीति उसी हिसाब से बना रही है। लेकिन ये रणनीति, ये सम्मेलन किस तरह से चुनाव में क्या तस्वीर देंगे, क्या चुनाव में फायदा दे पाएंगे, ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बिल्कुल आएगा। शैलेश, ये देखने वाली बात होगी कि 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला बसपा ने शुरू किया था, क्या उसका 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे।